कल पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, पूरे पंजाब के लिए और सच कहे तो पूरे देश के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई जब सिद्धू मूसवाला को दिन दहाड़े मार दिया गया। गैंगस्टर्स ने मारा, गैंगस्टर्स ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि गोल्डी ब्रार ने और उनके और भी गैंग मेंबर्स ने जो कनाडा बेस्ड है उन्होंने इस डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि हमने ही सिद्धू मूसवाला को मारा है। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, फरार है जिन लोगों ने मारा है। लेकिन अब इस सब के बीच मुनव्वर का कल शो था जहाँ पे बड़े ऑडिटोरियम में वो सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने वाले थे। टिकट्स बिक चुके थे इसलिए मुनव्वर को शो करना ही पड़ा, लेकिन मुनव्वर नहीं चाहते थे शो करना। उन्होंने शो के बाद पैपराजी से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि रेस्ट इन पीस लेजेंड, कभी सोचा नहीं था इस तरीके से होगा एंड डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी शॉक्ड। और जब मुझे इस बारे में खबर मिली थी तब लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं सोच नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही हैज़ बीन अ लेजेंड और इस तरीके से उनका डेथ होना, इट इज़ कमिंग एज अ शॉकर। अगर मेरा शो नहीं होता तो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं होता, मैं मेरे घर पे होता, सो रहा होता, रो रो के मैं सो जाता, इस तरीके से मेरी हालत हुई। एंड ही वॉज़ अ लेजेंड, इस तरीके से उनका डेथ होना, इट्स अ ह्यूज लॉस टू द कंट्री, ह्यूज लॉस टू म्यूज़िक, इस तरीके से मुनव्वर जो है कहते हुए नज़र आए। अभी तक जो क्रिमिनल्स है, जो इस क्राइम के पीछे है, उन्हें पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उनको डेफिनेटली चप्पा चप्पा हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी खबर थी। क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हो चुकी थी सिद्धू मूसवाला की, उसके 24 घंटे के अंदर उन्हें इस तरीके से अपने ही नेटिव विलेज में मार दिया गया था। ये प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से हुई थी, इस तरीके से बातें भी सामने आती हुई नज़र आ रही है। वेल, हम यही कहेंगे कि सिद्धू मूसवाला की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।